इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सएप का इंटरनेट कैसे बंद रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ बताई गई सेटिंग आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखिए, किसी भी ऐप में इंटरनेट चलाइए, बस व्हाट्सएप में इंटरनेट नहीं चलेगा। कोई अगर आपको मैसेज सेंड करेगा व्हाट्सएप पर तो वो नहीं आएगा, उसको डबल टिक भी नहीं दिखाएगा क्योंकि आपके पास मैसेज आएगा ही नहीं। तो इसे सेटिंग कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल मेरे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन चालू है और यहाँ पर मैसेज भेज के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंड हो रहा है मैसेज। ठीक है, तो ये सेटिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना है और जहाँ पर भी व्हाट्सएप इंस्टॉल है आपको उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पर देखिए ये एक आई का आइकन आएगा और ऐप इन्फो नाउ लिखा हुआ होगा यहाँ पर। कुछ मोबाइल में हो सकता है यहाँ पर ऐप इन्फो ना दिखाए, तो आपको सिर्फ ये जो आई बटन है इस पर एक बार क्लिक करना है। अभी देखिए सभी मोबाइल्स में ये वाली जो सेटिंग है ये कुछ अलग तरीके से देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल मेरे पास दो मोबाइल है, मैं आपको दोनों फोन में करके दिखाऊंगा कि ये सेटिंग कैसे करनी है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए डाटा यूजेज डिटेल ये वाला ऑप्शन अगर आपके फोन में दिखे तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, आप इस दोनों को चालू कर देना है, इतना करना है। अभी आप देखिए व्हाट्सएप पर आइए, अभी एक बार मैं लॉक अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको कीप डिसेबल पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए आप मैसेज सेंड कीजिए, यहाँ पर मैसेज सेंड नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर जो मोबाइल डाटा है वो चालू है लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वो सेटिंग चालू कर दी है। अगर आप इस सेटिंग को बंद कर देते हैं वापस, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे मैसेज यहाँ पर सेंड हो जाएंगे। ये देखिए सारे मैसेज सेंड हो चुके हैं। तो ये इस प्रकार से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। एक और मेरे पास फोन पड़ा है, इसमें भी चलिए आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। अभी इस फोन में आपको देखिए रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज, अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर वाईफाई और मोबाइल डाटा इस दोनों को टिक कर देना है, उसके बाद ओके करना है। ऐसा करेंगे तो उसके बाद व्हाट्सएप का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, व्हाट्सएप में इंटरनेट नहीं चलेगा। जब आपको व्हाट्सएप में इंटरनेट चलाना हो तो आप इसी पेज पर आइए यहाँ पर और यहाँ पर इसको वापस चालू कर दीजिए तो आपके व्हाट्सएप में भी इंटरनेट चलने लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सेटिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप में सिर्फ व्हाट्सएप का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।